उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और रीडिंग सेशन पे जब हम लोग मिले थे फर्स्ट टाइम तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और जब हम लोग मेरा जब टेक होने वाला था भूमि जी के साथ तो मैं बहुत नर्वस था शुरू में, क्योंकि पहली बार मैं इतने बड़े स्टार के साथ काम कर रहा था। तो जब हमारा सीन होने वाला था एक कमरे में तो बार बार रिटेक पे रिटेक हो रहे थे, और मेरे को डायरेक्टर ने भी बोला था तुषार जी ने कि तू परेशान मत हो, जो जैसा तेरे को फील हो रहा है, जैसे तू चिल रहा है, रिलैक्स रहा है, तू टेंशन मत ले। तो उन्होंने मेरे को बोल तो दिया था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर ये सोच रहा था कि यार मैं कैसे करूँगा और ये सब, क्योंकि मैं एक्टर तो हूँ लेकिन नया था, और वही वाली फील आ रही थी कि यार ये स्टार हैं, मैं इनको टच करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो। तो मेरे को बाद में भूमि जी ने बोला दो टेक होने के बाद कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, और जैसा तुम्हें फील हो रहा है रिलैक्स रहो, चिल रहो। तो मेरा उनके साथ ये एक्सपीरियंस रहा, जो मैं मेरी जो मेमोरेबल मोमेंट्स बोलते हैं उनमें से ये एक है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, दोनों बहुत फन लगेंगे, दोनों बहुत स्वीट हैं, और उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं दिखाया कि वो एक स्टार हैं और वो एटीट्यूड है ऐसा कुछ है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उनके अंदर, और बहुत फैमिली की तरह हम लोग साथ रहे और बहुत मज़ा आया शूट पे। इसमें मेरा रोल है यंग महवर सिंह का। यंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें दो जनरेशन दिखाई है, यंग और ओल्ड। जो 50-60 से फिल्म शुरू होगी 70s से, तो जो हमने 70s के जो रोल प्ले किए हैं उसमें मैं हूँ यंग भंवर सिंह, इसमें मैं भूमि जी का हस्बैंड प्ले कर रहा हूँ। तो बाद में जब ये ओल्ड वर्जन में आ जाएंगे, जब ये बाद में ओल्ड वर्जन में आ जाएंगे, जब दादियाँ जब बूढ़ी हो जाती हैं उसके बाद उनकी अचीवमेंट्स होती हैं, तो भूमि जी और तापसी जी तो वही हैं, हम लोग चेंज हो गए हैं, क्योंकि कुछ सोच समझ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने रखा होगा। तो मैं उसमें यंग भंवर सिंह का रोल प्ले कर रहा हूँ। मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में अभी बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे क्लॉज में नहीं है वो। तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, वो अभी उसमें टाइम है, शूटिंग उसकी चल रही है, तो मैं उसके बारे में डेफिनेटली आपको खबर करूंगा। मैं बस उनको यही बोलूंगा कि आप कोई भी है, चाहे वो एक्टर बनने आ रहा है, चाहे वो डायरेक्टर बनने आ रहा है, या जो भी वो कुछ करने आ रहे हैं इस फील्ड में, चाहे सिंगर बनने आ रहा है, बस अपना हार्डवर्क करें, और हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, और हार्डवर्क के साथ साथ पेशेंस ज़रूर रखें। अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप यहाँ टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, मेरे को यहाँ 8 साल हो गए हैं, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो मुझे 2 साल पहले ऑडिशंस पे या फिर कहीं टकरा जाते थे, वो आज नहीं मिलते हैं मेरे को, सब नई भीड़ आ रही है। तो अगर वो आते हैं तो काम बहुत है यहाँ पे। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपको अपना काम आता है, आपके अंदर एक्टिंग है या आपके अंदर गायकी है, तो वो आप उसको दिखा सकते हैं, क्योंकि आजकल वेब इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है। यूट्यूब पर आप अपने चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, या वेब सीरीज़ पे आप ट्राई कर सकते हैं अपनी चीज़ें। तो काम बहुत है, बस पेशेंस रखें और हार्डवर्क करें, और अपनी एक्टिंग पे या फिर अपने जो भी आप कर रहे हैं सिंगिंग या फिर डायरेक्शन, उस पे काम करें, क्रिएटिव रहें, और सोशल नेटवर्किंग पे लगने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने जो टैलेंट है आप उसको निखारें डेली, उस पे काम करें। क्योंकि एक एक्टर है वो जिम जाता है, बॉडी बनाता है, वो सोचता है कि बॉडी बनाने से काम मिल जाएगा, लुक से काम मिल जाएगा, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन साथ के साथ आपका हुनर और आपकी जो एक्टिंग की बारीकियां हैं उसमें निखार लेके आइए रोज़, उसमें भी आप काम करिए। क्योंकि एक गायक है वो रियाज करेगा 2 घंटे, लेकिन एक्टर अपने ऊपर कुछ नहीं करता है। तो प्लीज़ आप अपने आप पे भी काम कीजिए, आप अपने एक्टिंग को निखारिए, और मोनोलॉग्स जो हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, डिक्शन पे काम कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मूवी तो ये मुझे ऑडिशन दे के ही मिली है, और मैं बहुत उस टाइम बहुत ऑडिशंस दे रहा था और परेशान हो चुका था, डिप्रेस हो चुका था कि यार कुछ काम नहीं मिल रहा है। तो ऑडिशन पे ऑडिशन ये सब मैं दे ही रहा था, तो गौतम सर हैं, गौतम किशन चंदानी सर इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो उस टाइम ये इस फिल्म की वो कास्टिंग कर रहे थे, तो मैंने उनको ये ऑडिशन दिया। उसके बाद हफ्ते भर बाद उनका मेरे पास कॉल आया, उनके असिस्टेंट का, कि आप शॉर्टलिस्टेड हैं। फिर उसके हफ्ते भर बाद उनका फिर कॉल आया कि आप सेलेक्ट हो गए हैं। तो जब इस फिल्म का मेरे को कॉल आया था कि आप सेलेक्ट हो गए हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ कि मैं ऑन द स्पॉट रोने लगा था, क्योंकि मैं अनुराग कश्यप जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और ये फिल्म वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता था कि मैं भूमि का हस्बैंड प्ले कर रहा हूँ इस फिल्म में, लेकिन इतना पता था कि मैं इसमें कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो मैं रोने लगा था, और रोते रोते मैंने अपने पेरेंट्स को ये बताया था कि मैं इस फिल्म में सेलेक्ट हो गया हूँ, और 10 फरवरी से इसका शूट शुरू था मेरठ में। तो जब मुझे पता लगा कि मैं भूमि का हस्बैंड का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो मैं मतलब कहते हैं ना कि 7वें आसमान पर पहुँच गया, तो मेरा उस टाइम यही सिचुएशन थी, तो काफ़ी अच्छा लगा, और लक्की मानता हूँ अपने आप को कि मैं इस फिल्म से अपना डेब्यू कर रहा हूँ।
बिल्कुल, तैयारी तो मेरी हमेशा ही रहती है, रोज़ ही रहती है। मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ, मैं फिल्में बहुत देखता हूँ, मैं वेब सीरीज़ बहुत देखता हूँ, मैं हॉलीवुड देखता हूँ, मैं कोरियन फिल्म्स देखता हूँ। तो तैयारी तो मेरी हमेशा रहती है। और जब मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आई थी तो मैंने सोचा था कि कैसे भंवर सिंह क्या करते हैं, क्योंकि भंवर सिंह जो रियल में भंवर सिंह है वो अब इस दुनिया में है नहीं, तो कोई मदद मिल नहीं सकती थी। तो हमने सिर्फ जो डायरेक्टर ने जो हमें बताया, जो नुआंसेस हमें पकड़ने थे वो पकड़े, जो करेक्टर पे काम करना था वो किया, क्योंकि मेरे साथ साथ जो मेरे ओल्ड वर्जन है वो भी है मेरे साथ साथ। तो जो मैं करूँगा वही ओल्ड वर्जन को करना होगा, या जो ओल्ड वर्जन करेंगे वो यंग वर्जन को करना होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। अगर मैं फिल्म में ऐसे होंठ चबा रहा हूँ तो वही उनको चबाना होगा। तो क्योंकि बंदा एक ही दिखा रहे हैं हम, बस वैसे फिल्म में रील में दो हैं, रियल में तो एक ही है। तो इन चीज़ों पे काम होता है। साथ में बैठ के हमने काम किया, जो कुलदीप सरीन जी हैं वो ओल्ड वर्जन प्ले कर रहे हैं और मैं हूँ, हम दोनों ने साथ में बैठ के रीडिंग सेशन पे इस पे काम किया था। और डायरेक्टर ने भी हमें बताया था कि आप ये छोटी छोटी चीज़ों पे काम करें। मैं यही कहना चाहूँगा कि दिवाली पे रिलीज़ हो रही है, दिवाली पे लक्ष्मी पूजन होता है, और इस फिल्म में भी लक्ष्मी है, वुमेन बेस्ड फिल्म है, दादियों के ऊपर फिल्म है ये। तो प्लीज़ ये फिल्म जाके देखिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि ये फिल्म बहुत इंस्पिरेशनल फिल्म है। और गाने तो आप लोगों ने सुने ही हैं, गाने इसके सारे हिट हो चुके हैं, चाइना में भी रिलीज़ हो चुकी है, मुंबई फिल्म फेस्टिवल में भी ये फिल्म दिखाई जा रही है 24 अक्टूबर को, राजस्थान में टैक्स फ्री हो गई है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी ये फिल्म देखी है, सबको ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है, और चाइना में स्टैंडिंग ओवेशन मिला है इसको। तो डेफिनेटली ये फिल्म बहुत अच्छी होगी, तो इस बारे में मेरे को कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। फिल्म अच्छी होगी, अपने आप चलती है, चाहे वो आप कोई भी फिल्म उठा के देख लें। तो प्लीज़ देखिए, और अपने जो घर के बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, जवान महिलाएं हैं, या बच्चे हैं, सबको ये फिल्म दिखाइए, हर एज के लिए, हर एज वालों के लिए फिल्म बनी है।